हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। तो एक बार फिर से सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और जरा बताएं, आपको साउंड वगैरह सब कुछ ओके है? सब कुछ विजिबल है, हर एक चीज़, तो आप बता सकते हैं। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और ये स्टडी नाइट पे हैं आप, तो आज की मोटिवेशन क्या है? ये है मोटिवेशन आपकी स्क्रीन पे, क्या लिखा है? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ये है आज की प्यारी सी मोटिवेशन आप सभी के लिए, ठीक है? सो दिस इज डी मोटिवेशन। स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहने वाला है, तो ये है, दिस इज योर टेबल ऑफ कंटेंट की विषय सूची क्या है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 33 नंबर लाने हैं। तो क्या आप सभी 33 नंबर ला सकते हो आज के जो 100 सवाल हैं? बस यही एक सवाल है जो आज आपने सॉल्व करना है। कैन यू गेट 33 मार्क्स? क्या आप ले आ सकते हैं? ये हैं, देखो, हिंदी के 20 सवाल पूछे जाएंगे सबसे पहले, फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के 30 सवाल होंगे, और फिर एचपी जीके के 30 सवाल होंगे, फिर इंग्लिश के 20 सवाल होंगे। तो टोटल सवाल हो गए 100। और अगर आप 33 नंबर ले आ सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको सेट की कोई भी टेंशन लेनी चाहिए, ठीक है? ये भी आप बड़े आराम से निकाल दोगे, चाहे कंप्यूटर पे हो चाहे जैसे मर्जी हो, ठीक है? आपको सीधा सा जो सिंपल सा फिनोमिना है, 33, देखो जब आपके 10th के पेपर होते थे, 12th के पेपर होते थे, प्यारे बच्चों, इससे डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, डर रहे हैं, है ना? वहां पे भी तो आपको 33 नंबर लाने होते थे, वहां पे ले आते थे कि नहीं ले आते थे, है ना? मार्कशीट देखना जरा अपनी 10th की, मोटिवेशन आ जाएगी, है ना? सबने पास की है ना, प्लस टू तो सबकी पास है, कोई भी एग्जाम हो। फिर 33 लाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पुष्प कौन सा शब्द है? जो पुष्प है वो कौन सा शब्द है, ये बताना है आपने। तत्समय, देशज है, विदेशज है, या फिर देशज है। और जल्दी से जल्दी हमने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका सही जवाब क्या होगा? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम कह रहे हैं सभी के सभी। चलिए, एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल सी कि आपके 33 नंबर बने 100 में से, या फिर आप हो जाओगे बाहर, एलिमिनेट हो जाओगे। चलिए, यही हमने देखना है, होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर होगा तत्सम, एक नंबर यहां पे मिल गया जिसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान कहां से होते हैं? दंत से, ओष्ठ से, ओष्ठ से, या फिर होंठों से? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आज जो है थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है सुबह से ही, आपको पता ही होगा। समहाउ लाइट वगैरह भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी, तो समहाउ हम भी नहीं आ पाए आपके सामने, ठीक है? ड्यू टू दिस, और हल्का सा ये एरर, यहाँ पे फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज, गड़बड़ा गए, जिससे एक ऑप्शन डबल कॉपी हो गया, और यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। बताइए, तो ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान, सो द करेक्ट आंसर इज होंट, होंठों से है, होंठों से है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है? होंठों से है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब पूछा है। ए ए ओ और ओ कौन से स्वर हैं? अब कल सवाल किया था आपने, 11 स्वर प्लस 2 13, है ना? दो अ भी होते हैं उसमें। तो ह्रस्व स्वर है, संयुक्त है, संयुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे वही एरर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, संयुक्त स्वर। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर बी बोले या सी? एक्चुअली वो डबल कॉपी हो गया, ठीक है? फॉन्ट साइज गड़बड़ा गए, बनाई कहीं और थी फाइल, फिर उठाते वक्त ये चेंजेस हो गए इसमें, ठीक है? तो जो आपकी स्क्रीन पे है, कुछ एक में है, ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 5, 5, या फिर 7? मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी 3 भी। मान लीजिए अगर मैं दे दूं आपको 2, 5, 3, या फिर 7,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीन। ठीक है, मात्राएं तीन प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जल्दी से करेंगे इस सेशन को। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन कितने हैं? 22, 33, 33 या फिर 30? बहुत ही रैपिड सेशन हो गए, 100 सवाल जो होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब होगा 33 ही है टोटल। यहाँ पे लिखा है क ख ग घ ड च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प भ म यर ल ब श श श ह। व्यंजन होते हैं, तो ये आपको पढ़ाए हुए हैं सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए चाहे। क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मान लो आज तीन ऑप्शन है और चौथी नन ऑफ द अबव है। ठीक है, चौथी ऑप्शन मान लो अगर ये है तो हम क्या आंसर दें? तो क्वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ है। कंठ हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? देखो, संधि विच्छेद से एक सवाल रहने वाला है, तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो ये होगा नी जमा अर्थक इज इक्वल टू निरर्थक। आगे बढ़ते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? किसका पूछा है? धरेश का। ऑप्शन ए बी सी डी। धरा जमा इश, इश कौन सा, अश क्या होगा? धरेश का सही संधि विच्छेद जो होता है धरा जमा इस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या फिर मान लीजिए उसको संधि कहते हैं। कोई भी एक वर्ड अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए ऑप्शन में, तो व्हाट शुड बी द आंसर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रत्यय। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है उच्चारण स्थान इसका। बहुत बढ़िया, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, एक्सीलेंट। राजेश्वरी, मुकुल, आवा, राजकुमार, नेंसी, सभी ने आंसर देने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ से निकलते हैं ये आपके उच्चारण स्थान जो होता है इनका। और ये है संकल्प बैच जो कि 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है पटवारी के लिए। ठीक है, इवन पुलिस के लिए भी है प्रचंड बैच, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और फॉरेस्ट गार्ड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास नंबर यहाँ दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट करें और लाइव क्लासेस चल पड़ेंगी। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये सवाल है। 7, 4, 5 या फिर 6? मान लो यहाँ पे 6 है। ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रकार के होते हैं। य र ल ब आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है? संज्ञा से बना है वो विशेषण, कुलीन है, कृपा है, जाति है, या फिर अगेन कृपा, बट अगेन आप मान लीजिए कोई भी वर्ड यहाँ पे। कौन सा शब्द संज्ञा से, मतलब जो नाउन भी है, से बना हुआ एक एडजेक्टिव है? आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, दे कैन एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, वो आपको ढूंढना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिमिलर वे में क्वेश्चन आया है हिंदी में भी, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए कुलीन। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम क्या बोलेंगे? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हिंदी में पूछा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन उत्तरापेक्षी, ऑप्शन डी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है इनमें से? ए बी सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्र है। ठीक है, प्र है। आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विग्रह, विच्छेद या फिर संक्षेप? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा संक्षेप होता है। राइट, संक्षेप होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, नीलोत्पलम, माता पिता, किसमें है ये कर्मधारय समास? किसमें? ए बी सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलोत्पलम। ठीक है, बी एंड सी आप लिख सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शंस में है थोड़ा सा गड़बड़। आगे है, अथ का विलोम शब्द है अंत, अर्थ, अर्थ या फिर अध? बट अबाउट दिस, अथ का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा इति, ये है इसका विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। विधना मंडल द्वारा पारित या स्वकृत विधि, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिनियम, विनिमय, विनिमय या फिर अध्यादेश?
विधना मंडल द्वारा पारित, तो अधिनियम उसको कहते हैं। ठीक है, आगे है छंद का समानार्थी शब्द पूछा हुआ है, आवरण होगा, बंधन होगा, आचरण होगा, क्या होगा? छंद का समानार्थी शब्द आपने बताना है, तो आंसर हो जाता है इसका पद। हालांकि वही बात है कि ऑप्शन में जहां पे आपको अलग ऑप्शन दिख रहा है ना, वो वही पे रहा होगा, जैसे पीछे वाले केस में इति रहा होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अब अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा संभाव। आगे बढ़ते हैं, नागर का पर्यायवाची क्या है? नगर, चतुर या फिर ग्रामवासी? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सो चतुर होता है। ठीक है, क्या होता है ये देखिए, चतुर, विज्ञ, निपुण, पटु, कुशल। अब वो घड़ी आ चुकी है, बताइए 20 में से कितना स्कोर आया, क्योंकि मैंने बता दिया आपका स्कोर 33 प्लस होना ही चाहिए आउट ऑफ 100, जो कि आने वाले 25 मिनट में पता चल जाएगा, सिर्फ 25 मिनट और। ठीक है, तो पहला सवाल अब आता है, उससे पहले एचपी पुलिस प्रचंड बैच चल पड़ा है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, अब है करंट अफेयर के सवाल। ठीक है, करंट अफेयर के सवाल हैं टोटल 30, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे, 30 हैं। अब इनमें से भी देखिए अपना आपका स्कोर क्या रहता है। पहला सवाल है, धर्मशाला वेयर द तिब्बतन डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच यूटी? तो एक जगह आपको भी पता है, यहाँ पे ऑप्शन लेनी ही पड़ेगी हमें एचपी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? वट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दी गई है, ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉगरेट किया मैकेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ जिसकी थी 3800 करोड़, इन विच सिटी, कहाँ पे किया उन्होंने? मैसूर, बेंगलुरु, पुणे या फिर कोची? तो ये चीज उन्होंने की है आपके मैंगलुरु में, मैंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। आगे है, नीति आयोग ने हेल्ड किया एक डायलॉग डेवलपमेंट कॉर्पोरेट विद VMZ, तो ये किस कंट्री में था? फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में या फिर जापान में? तो नीति आयोग ने जो ये अभी किया, ये इन्होंने किया जर्मनी के साथ। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी हो जाएगा इसका सही जवाब। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ 2022 का कितना है, कितना परसेंट है लगभग लगभग? तो ये है 13%। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 13 से 14%। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। आगे है, एडीबी की अगर बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा, उसने अप्रूव किया है USD का 350 मिलियन लोन टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर केरला में? कहां पे किया 350 मिलियन का जो लोन है वो किया? तो ये किया आपके ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में किया। आगे बढ़ते हैं, एज पर द रिसेंट डाटा, म्यूचुअल फंड के जो पेंट्रेशन है मैक्सिमम किस स्टेट में, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, इनॉगरेट किए उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिजिटाइजेशन हब्स, DCDH कहा गया इनको, कौन से राज्य में? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर केरला में, कहाँ पे किया इन्होंने ये? तो ये इन्होंने लॉन्च किए 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तो ये किए इन्होंने ऑप्शन उड़ीसा में किए, कहां पे किए? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, एज पर रिसेंट डाटा, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ओवर द लास्ट 5 ईयर्स? कितना करोड़ का खर्चा रहा है पिछले 5 वर्षों में नीतियों और कार्यक्रमों के विज्ञापनों पे, सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रमों के विज्ञापनों पे कितनी राशि खर्च की गई है? सो द आंकड़ा इज 3723 करोड़, ठीक है, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट ने पास किया 8534 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट फॉर द करंट फिस्कल? कौन सा राज्य है वो? गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड? ABCD, क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि झारखंड। आगे बढ़ते हैं, एज पर CMIE लेटेस्ट रिपोर्ट, विच स्टेट हैड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग दिसंबर 2022, बताओ? न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश? और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी रहने वाला है कि जो आपके दीपक शानन ये कह रहे हैं कि हम फॉलो करने वाले हैं हरियाणा का मॉडल, वो जरा इन आंकड़ों को भी ध्यान से सुन ले यहाँ पे और उन तक ये पहुंचा दे। एज पर दी CMIE लेटेस्ट रिपोर्ट, कौन सा स्टेट 2022 में
रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे सबसे ज्यादा रही अमंग स्टेट इन दिसंबर 2022। सबसे ज्यादा कहां पे हुई है, कहां पे हुई है? तो इसीलिए हुई है हरियाणा में। क्यों हुई, वो वजह भी आप बच्चों के सामने है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे मना कर रहे हैं कि सर सीबीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक केस कोर्ट में पेंडिंग हो जाएगा और उससे नुकसान हमारा ही है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, नहीं तो जो हरियाणा में है। यही वजह है उनकी कि वो हरियाणा कह रहे हैं। हरियाणा ही है 2022 का, और मुझे लगता है 2023 का हिमाचल प्रदेश होगा। यस और नो, आप खुद बताओ। एक भी भर्ती आई नहीं है, हम पहुंच चुके हैं सितंबर के मंथ में, तो 2023 में दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश ही होगा वो। इसी यही हाल रहे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज सेट टू लॉन्च द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम दिया सर्वेक। कौन से साल में, 22, 23, 25 या फिर 27? कब करने वाला है भारत लॉन्च? तो 2023 में। आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पिटिशन कमीशन इशू डिमांड नोटिस टू विच कंपनी फॉर इट्स फेलियर टू पे पेनल्टी विद स्टिपुलेटेड टाइम। तो मेटा, ज़ियोमी, गूगल, एमेजॉन, बताओ जरा, ये जो इतना ज्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा इस कंपनी को, डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये है आपके गूगल के अगेंस्ट। ऑप्शन सी, गूगल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया साइंड ए एमओयू टू एनहांस कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स विद विच कंट्री। किस देश के साथ? मालदीव के, यूएई के, पनामा या फिर मलेशिया? भारत किन के साथ ये करने वाला है? सो दिस इज ऑप्शन सी, पनामा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट अडॉप्टेड अ बिल, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट अडॉप्शन अडॉप्टेड अ बिल टू मेक इट्स लैंग्वेज कंपल्सरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, कि जो भी अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये जो लैंग्वेज है ये कंपलसरी ही कर दी इस राज्य ने। कौन सा है ये, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर केरला? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, तमिलनाडु ने फैसला लिया। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जा रहा है एक तरह से। किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों को भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया? कौन सी कंपनी है? सो द करेक्ट आंसर इज आपकी पेप्सिको फाउंडेशन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, खबरों में नजर आने वाले जियोजिया मेलोनी किस यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? फ्रांस की, इटली की, जर्मनी की या फिर ऑस्ट्रिया की? किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली की है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विच वॉज हिट बाई इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ज्यादा आए थे, हैज स्लैश्ड टैक्सेस ऑन फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स। सबसे ज्यादा आर्थिक संकट ईरान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेंजुएला, कहाँ पे आया था? सबको पता होगा, आपने देखा भी। ऑप्शन बी, यानी कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है श्रीलंका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट इज द विलियमसन पिंक स्टार विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो वो क्या है? वो एस्ट्रॉइड है, गैलेक्सी है, डायमंड है या फिर ओशन है? वो क्या चीज है जो अभी हाल ही में देखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इट इज ए डायमंड। ऑप्शन सी, डायमंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, एज पर द रिसेंट ग्रेन डील, ग्रेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट्स आर अलाउड टू थ्रू कॉरिडोर इन विच सी और ओशन? इनमें से कौन सा सी है वो? हाल ही में ग्रेन डील के अनुसार यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज निर्यात को किस समुद्र महासागर में गलियारे के माध्यम से अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है ब्लैक सी को, ऑप्शन ए, काला सागर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश ने हॉसंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? इनमें से कौन सा देश है? हाल ही में आपने देखा होगा, तो चाइना ने, इसराइल ने, नॉर्थ कोरिया ने, जापान में? किसने की है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया ने। आगे बढ़ते हैं। पटवारी का रुद्र बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दिए गए हैं और 1 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाला है 2023। नेक्स्ट सवाल है, सुआर अरुतम किस देश में रहने वाली एक स्वदेशी समुदाय है? पेरू की, इक्वाडोर की, ग्रीस की या फिर फिलीपींस की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक्वाडोर की है ये। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सपोर्टेड द प्रपोजल ऑफ विच कंट्री टू इंक्लूड डिजिटाइजेशन इन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ स्ट्रेटेजिक प्लान? यूएसए, रशिया, यूएई या फिर साउथ अफ्रीका? तो किस देश? तो ये है यूएई देश। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, किस देश ने B-21 नाम से अपना नवीनतम परमाणु स्टिल्थ बॉम्बर लॉन्च किया? किस
किसने किया भाई? इसराइल ने, रशिया ने, यूएसए ने, यूक्रेन ने, किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस देश का नाम है यूएसए। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप इज अ यूएस होस्टेड एंटिटी एंटिटी बेस्ड इन विच कंट्री, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सवाल है। तो इसका है आपका जनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि राज्य की राजधानी को किस शहर में स्थानांतरित करेंगे, वो कुरनूल, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा या फिर गुंटूर, ये वो चेंज करने वाले हैं। तो ये कहां पे चेंज करेंगे, विशाखापत्तनम करना चाहते हैं। आगे है इंडो तिबेतन बॉर्डर जो आईटीबीपी आता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है हमारा, है ना? इंडो तिबेतियन बॉर्डर जो पुलिस है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा है, डिफेंस है, होम अफेयर है, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर है, एक्सटर्नल अफेयर के अंडर, तो ये आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, जो कि कौन है, अमित शाह है। आगे बढ़ते हैं, आगे है विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड ओवरऑल सपोर्ट फॉर MQ-9V ड्रोन इंजन इन इंडिया, इनमें से कौन है जो इसका टेक केयर करेगा एक तरह से, तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि ये प्रोवाइड करवाएगा इसके लिए, ठीक है, जो ड्रोन इंजन है इंडिया। आगे सवाल है मुथुवन किस राज्य की पहाड़ियों में आदिवासी कृषक है, मुथुवन है ये, मधुबनी नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर, मधुबनी बिहार की एक फेमस चित्रकला है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मधुबन, मथुबन पूछा हुआ है, इसका सही जवाब है आपका केरल और तमिलनाडु के, केरल एंड तमिलनाडु। आगे है कौन सा ओडीआई स्पिन बॉलर है जिसने 3 consecutive 5 wicket हॉल लिए, तो क्रिकेट आप सभी देखते होंगे, कौन सा है भाई वो इनमें से, रविचंद्रन अश्विन है, वनिंदु हसरंगा, साकिब अल हसन और कुलदीप यादव, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन वानिंदु हसीरंगा यानी कि श्रीलंका के। आगे बढ़ते हैं, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट आफ्टर द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट, एमेजॉन के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्गो। तो यहाँ पे हो गए हमारे 50 सवाल, तो बता सकते हैं आप आपका स्कोर क्या है। अब इसके बाद HPGK आ गई 30 नंबर के लिए, और आपका स्कोर क्या है एक बार बता दो जरा, मैं चेक करता हूँ। 33 तो हमें चाहिए, देखो सीधी सी बात है, लेकिन अभी 50 क्वेश्चन बाकी है, अभी इंग्लिश के 20 सवाल हैं, और देखो जरा चेक करो, ठीक है, और जरूर बताएं कि आपके मार्क्स कहीं कम तो नहीं आ रहे हैं, फिर मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले अगर इंग्लिश में आप वीक हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को, 59 रुपीज में आपको 5000+ MCQs मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल है किस स्थान से ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा कि है तो टेक्निकली गलत, बट मुझे लगता है अगर हम से वर्ड लगा दें तो ये सही हो जाएगा, करंट अफेयर थोड़े से मुश्किल होते हैं नो डाउट, लेकिन HPGK और इंग्लिश ये 50 में से देखना पड़ेगा अब कितना स्कोर आप कर पाते हैं, आपके लिए चैलेंज है एक। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से वर्ड सही है, किस स्थान से ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज, क्योंकि ऑप्शन फिर उसी हिसाब से होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर पंडो से, ये बात सही है। फिर पंडो से लाया जाता है इस तरफ, और ये मिलता कहाँ पे है, तो ये मिलता है सलापड़ में, एक ब्रिज है सलापड़ ब्रिज, है ना, सतलुज और ऊपर से ये ब्यास नदी मिलती है वहां पे, कोल डैम के ठीक आगे है ये, आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो पहला सवाल 1 नंबर सभी को, बहुत बढ़िया, श्वेता यू राइट, आवा, चरणजीत, अनुकूल, जितेंद्र, गौरव, राजकुमार, ऋतिक, नीलाक्षी, सुनिधि, नैन्सी, अनुज, अमित, शिवानी, तान्या, स्टेटस ओपी, मंजुल, निखिल, नास्ता, आडू, चरणजीत, क्या बात है। चलिए, तो ये सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, लाहौल में मृकुला देवी मंदिर की मूर्ति कला का नमूना कौन सा है, कौन सी आर्ट में बना है, पाषाण कला, धातु कला, काष्ठ कला या फिर पत्थर कला, कौन सी कला में बना है। यस, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा मेटल आर्ट है वो, धातु कला है, मेटल आर्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, शिगड़ी ग्लेशियर की खोज किसने की थी, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। अब सवाल पूछा है उस साइंटिस्ट का नाम बताओ, नॉट द साइंटिस्ट बट उस इंसान का नाम बताओ जिसने इसकी खोज की है, एल्गिन ने की, वॉकर और पास्को ने की, कैनेडे ने की, इनमें से कोई नहीं,
हाँ बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वॉकर और पास्को ने की है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? एक नंबर मिल जाएगा, कुल्लू घाटी, बल घाटी, राबी घाटी, कांगड़ा घाटी। सो विच घाटी, विच वैली इज द मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट फ्रूटफुल वैली कौन सी है? यस बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बल घाटी, जो कि सभी के सभी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा सर। बहुत बढ़िया, बल घाटी हो जाएगा इसका सही जवाब, मंडी जिला। आगे बढ़ते हैं, छोबिया दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है? चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर? कहाँ पे है ये, ए बी सी या फिर डी? बहुत बढ़िया हरीश, दशानंद शर्मा, दिनेश, यू आर राइट, हंसराज, वंदना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हुसन, नेंसी, अक्षिमा, अनुकूल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चंबा, चंबा में है ये। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भगवान परशुराम की याद में कुल्लू में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, पूछा हुआ सवाल है, हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आइडिया आपको पता चले यहाँ से। बहुत बढ़िया, किरण, हिमलता, साहिल, छोटे दुनायक, सागर, KD ठाकुर, हिमलता, क्या बात है, डेक्स्टर मॉर्गन, समर्थ ठाकुर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? भुंडा, दशहरा, डूंगरी मेला, लदारचा, बताइए। तो बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा भुंडा, भुंडा है वो। नेक्स्ट सवाल है, नाको, नाको झील किस जिले में है? चंबा में, लाहौल स्पीति में, कांगड़ा में, किन्नौर में? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से। बहुत बढ़िया रितेश, बहुत दिनों बाद दिखाई देते हुए। उर्मिला, बहुत दिनों के बाद। विवेक, जल्दी नहीं, मतलब बी रेगुलर, ठीक है, रेगुलर नहीं रहते हैं आप सभी। बहुत बढ़िया गौरव, एक्सीलेंट एक्सीलेंट आंसर आ रहे हैं सभी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाको झील जो है वो है आपके ऑप्शन किन्नौर, किन्नौर में, कहाँ पे है, किन्नौर में। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, गुज्जर क्या है? एक शिकारी जनजाति है, घुमंतू जनजाति है, मांसाहारी है, इनमें से कोई नहीं है। व्हाट इज गुज्जर, गुज्जर है क्या? तो इसका सही जवाब सभी ने दिया है, एक सर, घुमंतू जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, संवहनी वर्षा कहाँ पे होती है? ये वाली कहाँ पे होती है? ये रेन पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, इक्वेटोरियल रीजन में, हिमालयन रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। अब जियोग्राफी का सवाल आया है, बताओ कहाँ पे होती है ये वाली रेन? तो इसका सही जवाब होता आपका इक्वेटोरियल रीजन में। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय पे 7,000 चित्र बनाने वाला निकोलस रोरिक किस देश से संबंध रखते हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस, हॉलैंड, बताइए, जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया विशाल, साहिल, क्या बात है, एक्सीलेंट, नितेश, जानवी, सचिन, रोजी, शबनम, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन रसिया, रूस के थे वो, रूसी पत्रकार। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले महामैराथन हुई है 6 घंटे की, जिसमें हमने 1000+ सवाल किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और अपनी HP GK अगर आपको लग रहा है कि काफी वीक है, तो उसको वीक से आप एकदम से स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पझौता किस जिले से संबंधित है? पझौता मूवमेंट हुई है मंडी में, ऊना में, चंबा में, सिरमौर में, जल्दी से जवाब देंगे, कहाँ पे हुई है पझौता मूवमेंट, जल्दी से कहां पे हुई है, क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो जाएगा सिरमौर में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो ही HP हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, कौन थे वो? तो वो व्यक्ति थे आपके अकबर ने, ठीक है, शासक जयचंद को कैद कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह अवस्थित है? पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ग्यास पर्वत शिखर कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है पांगी घाटी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 1964 में टोक्यो में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले, गोल्ड मेडल जो मिला, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? दर्शन सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, चरणजीत सिंह या फिर गुरबख्श सिंह? ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ, बहुत बढ़िया, सबके जवाब सही आ रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चरणजीत सिंह थे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? कब हुआ ये, कौन सा दिसंबर था वो,
बताओ 1997, 2002, 2005, 2007, जल्दी से जवाब दीजिए कि हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन हुआ था स्टार्ट आपका 29 दिसंबर 1997 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पे प्रवेश करती है, जल्दी से बताइए। वहां पे एक डैम भी है, उस डैम का नाम है कोल डैम, ठीक है। 800 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, भारत और रशिया मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम किया है, इंडिया रशिया कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। कोल डैम नदी पे बना है, कोल डैम आपके बिलासपुर में। तो वहां पे गांव का नाम क्या है, दुधोन तीर्थन कसोल कुमारवी। वहां पे एक तहसील भी है, मंडी की एक तहसील है जिसका नाम है बटवाड़ा तहसील, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, PYQ है ये। वो मैराथन जरूर देखें 6 घंटे का, ठीक है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कसोल, कसोल गांव है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाँ बहुत बढ़िया, KD ठाकुर, पंडित जी, साहिल, विवेक, सबका जवाब सही आ रहा है। सुनिधि, अमित, जितेंद्र, बहुत ही फास्ट सेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग गए राज्य रहा, 1953, 54, 57 या फिर 1964। बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक, कब तक, 1954 होगा इसका सही जवाब, 1954 तक, कब तक, 1954 तक। आगे बढ़ते हैं, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, बताओ उस स्थान का नाम बताना है। आपको पता है किन्नौर से आती है, लेकिन नाम बताना है, शिपकी है, संगोल है, मुरथल है, ताजे वाला है, क्या नाम है उसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस, रेदर, हाँ चलो प्लेस ही रखते हैं फिलहाल के लिए, बताओ। जल्दी से क्या नाम है उसका, बहुत बढ़िया, शिपकी कह रहे हैं सभी के सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिपकीला। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल में सेब का पहला बगीचा कहाँ लगा, सेब का शिमला में, कांगड़ा में, कुल्लू में, किन्नौर में, एक आंसर होगा इसका जल्दी से, व्हाट शुड बी द आंसर। शिमला में सबसे ज्यादा होते हैं राइट नाउ, ये बात सही है प्रोडक्शन वाइज, लेकिन सबसे पहला जो बगीचा लगाया था वो लगा था कुल्लू में। यस, पहले भी हमने किए हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं, तो रिविजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सवाल आएंगे हर एक जगह से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, मिसलेनियस से, है ना, योजनाओं से, नीतियों से, हिमाचल प्रदेश के जो सवाल रहेंगे वो ऐसे ही 30 सवाल आएंगे। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, लास्ट सवाल है आई गेस, लास्ट नहीं, अच्छा कौन सा है, तो ये टेक्निकली क्वेश्चन गलत है फिलहाल, लेकिन अगर इसको हम चेंज करके UT कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, J&K, तो आंसर दे देंगे आप J&K, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये है हमारे पास एक्स्ट्रा बोनस, ये बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 499 इसकी फीस है, तो यू कैन ज्वाइन HP पुलिस कांस्टेबल बैच, ठीक है, HP पुलिस, तो पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ये चीजें हैं, ये प्राइस हैं, लेकिन आपको ऑफर चला हुआ है और 499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे, अगेन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, कहाँ पे, कुल्लू में, किन्नौर में, चंबा में, लाहौल स्पीति में, जल्दी से आंसर देंगे इसका। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम साक्षरता दर हमें देखने को मिली चंबा में, चंबा में लिटरेसी रेट काफी कम है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल में इष्ट देवता को डैश का देवता भी कहते हैं, व्यक्ति का, कुल का, ग्राम का, इनमें से कोई नहीं, तो इष्ट देवता को हम कहते हैं पर्सन, मतलब व्यक्ति, व्यक्तिगत। 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी, कौन सी नदी पे हुआ है, सतलुज, रावी, ब्यास, सिंधु, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं पेड क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मजा आता है कि MCQ करके, ठीक है, कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़िए पेड क्लास में, उसके बाद MCQ यहाँ पे करिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सतलुज नदी। आगे बढ़ते हैं, आगे हाट कोटी मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये वाला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला। हाट कोटी मंदिर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा शिमला में है ये, हाट कोटी मंदिर कहाँ पे है, शिमला। आगे बढ़ते हैं, सोनालिका किस फसल के एक किस्म है, गेहूं की, मक्की की, जौ की, चावल की, A, B, C, D, सोनालिका किस फसल की है, तो ये है आपके ऑप्शन, गेहूं की है सोनालिका। आगे बढ़ते हैं, तैमूर लंग के आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में हंडूर जो नालागढ़ है उसका शासक कौन था,
तो नालागढ़ का शासक जो राजा था, रूपचंद था, आलमचंद था, हरिचंद था, श्रीचंद था, कौन था भाई? जल्दी से बताइए। तैमूर लंग के आक्रमण के समय हमारे नालागढ़ के, जो नालागढ़ बद्दी सोलन वाला रीजन है, वहां पे कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलमचंद थे उस वक्त। कौन थे? आलमचंद थे। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में कौन से स्थान में सबसे कम वर्षा होती है? बिलासपुर, कुल्लू, चंबा या फिर स्पीति? सबसे कम बारिश सबसे ज्यादा होती है आपके धर्मशाला में, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है कांगड़ा धर्मशाला में, ठीक है, पालमपुर, ये रीजन है जहां जहां पे बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है आपको। लेकिन सबसे कम कहाँ पे होती है? बहुत बढ़िया। नितल, उषा, सागर, नैन्सी, सुजाता, अमित, राजकुमार, शिवानी, काजल, क्या बात है, काजा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हरीश, शबनम, हंसराज, काजल जरियाल, क्या बात है, नीलाक्षी, दिनेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स्पीति। स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। आगे नेक्स्ट वाला, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? कुल्लू की घाटी, द ग्रेट हिमालयन, आंतरिक हिमालय या फिर मंडी और कुल्लू? किसको जाना जाता है अल्पाइन एरिया से? अल्पाइन एरिया से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ग्रेट हिमालय को जाना जाता है अल्पाइन रीजन से। आगे सवाल है, भारत में द लिटिल ल्हासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? काजा को बोलते हैं, धर्मशाला को, मनाली को या फिर केलांग को? जल्दी से बताएंगे, 5 सेकंड भी नहीं है आपके पास। यू हैव ओनली 5 सेकंड, ठीक है, बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा जवाब देने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन धर्मशाला। क्या होगा इसका सही जवाब? धर्मशाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कोट खाई और कोटगढ़ विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ये आपको पता होगा, शिमला में है। कोट खाई और कोटगढ़ तो सेब के लिए, केसर के लिए, चरी के लिए या फिर सब्जियों, मशरूम वगैरह के लिए, विशेषतः मशरूम। तो कोटखाई और कोटगढ़ हमारा जाना जाता है किसके लिए? सेब के लिए, सेऊ के लिए, है ना, सेऊरा दाना, एक गाना भी है वैसे, ठीक है। चलिए, ये आप बाय कर सकते हैं 59 रुपीज में, 5000+ MCQs इन ऑर्डर टू एनहांस योर वोकैबुलरी। और यहाँ पे सवाल होते हुए खत्म। तो बताइए, एचपी जीके हो गई खत्म, 80 में से क्या स्कोर है? अब मैं लास्ट में पूछूंगा अच्छे से। अगर जो बच्चे 25-26 के पास हैं, अब ये जो 20 सवाल हैं इंग्लिश के, ये बचा देंगे आपको अगर ऐसा है। वरना मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कब के पास हो चुके हैं, वो 60 60 के आसपास है ना, आप में से बहुत सारे 50 से 60 की रेंज में होने चाहिए आप, ठीक है। आराम से इस पेपर को आराम से करना है, ठीक है, चिल होके। इवन आप इसको इस तरह से पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत हम आपको सारे पीडीएफ देंगे, मैगजीन देंगे, हर एक चीज देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कसर रखेंगे, ये दिमाग से निकाल देना। नेशनल, इंटरनेशनल, हर एक चीज, मिसलेनियस, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। बहुत बढ़िया, मैंने तो आपको टारगेट दे दिया है, क्या 33 आने चाहिए जैसे 10th में आते थे, सीधी बात। चलिए, अगर थोड़ी बहुत कसर रही है, कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है यहाँ पे कि सर अभी थोड़ी सी है दिक्कत, तो कोई बात नहीं, 20 20 नंबर और हैं, इसमें से लेके दिखाओ। सिनोनिम ऑफ लॉयल क्या होता है? लॉयल है इंसान, काफी ज्यादा इनोसेंट है यार, लॉयल है, बिल्कुल सत्य निष्ठा है, बिल्कुल ट्रू इंसान है। क्या होगा इसका सही जवाब? हिडन, इनएडिक्वेट, डिवोटेड। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। डिवोटेड का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड इंसान है, ठीक है, अपने गोल पता है, लॉयल है, सत्यनिष्ठा, निष्ठा होनी चाहिए, आप सभी में भी डेडिकेशन है, राइट? अरे पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आप एक नंबर मिल गया यहाँ पे। सिनोनिम ऑफ एक्मे का मतलब क्या होता है भाई? एक्मे, सबमिट करना, वेल और इम्पोर्टेंट। एक्मे होता है विच इज हाइएस्ट, हमेशा आपकी लाइफ में सबसे ऊपर, जेनिथ, और नादिर, लोएस्ट पॉइंट, आपकी लाइफ का हाइएस्ट पॉइंट, ठीक है, बताओ। तो वही है एक्मे, इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, समिट, जो भी कह रहे हैं वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है सिनोनिम ऑफ सर्वाइल। तो सर्वाइल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सर्वेंट टाइप नेचर है जिसका, मतलब लोगों को प्लीज करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाना एक तरह से, ठीक है, प्लीज करना, सामने वाले को खुश खुश करना, सबमिसिव इंसान, ये सारे वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे।
मतलब ऐसा इंसान अर्ज स्लेवी स्नब क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब जो बच्चे कह रहे हैं स्लेवी, स्लेबिस का मतलब है स्लेबरी, स्लेबरी का मतलब होता है ना, जैसे आपने तो पढ़ी है हिस्ट्री में, स्लेबरी मतलब जिसको क्या होता है, एक तरह से आप कहो उसको स्लेबरी नेचर है, मतलब सर्वाइल नेचर है, नौकरशाही जैसे कह लो, नौकर किसी का बनना जिसको पसंद हो, जिसको किसी का काम करना पसंद हो, ठीक है? हिंदी में या इसके हिंदी ट्रांसलेशन बताएगा कोई? स्लेवरी होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैं भूल रहा हूँ। चलो बताना जरा बच्चों, बताना, अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है? आगे आगे चलते हैं। एंटोनिम ऑफ ड्राई, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता था इंडिया के साथ, गुलाम, यस गुलाम आ गया मेरे को याद, देखो गुलाम और गुलामी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ड्राई होता है सूखा, तो इसका एग्जैक्ट उल्टा पूछा हो ये सब कर देंगे, गीला वेट है ना, इतना आसान सा एक नंबर यहाँ मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड होता है बाहर, बाहर का हो जाता है अंदर, क्या होगा? अबव, अंडर, इनसाइड, बिलो, बताओ क्या होगा आउटसाइड का? बहुत ही बढ़िया यार, एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल गया इनसाइड। नेक्स्ट चलो, पुल करना, पुल करना, पुल का क्या होता है? ये तो दो चीजें आप हमेशा देखते हो, आप हमेशा ग्लास वगैरह जब भी कहीं जाते हो, हमेशा आपको थोड़ा बहुत जैक भी बजता होगा, हे भगवान दिखा भी नहीं है, पुल करना है कि पुश करना है, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा पुश, पुल एंड पुश है ना, धक्का देना, और पुल मतलब खींचना, बहुत ही आसान सा है। माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग, इन टू, ऑन, फॉर या फिर इन, क्या आएगा बताओ? माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, इन आ जाएगा, प्रेपोजिशन से सवाल है, एक नंबर यहाँ पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इट इज डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमी कैंप, इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू एंटर, थ्रू होगा, इन होगा, फॉर होगा, इन टू होगा, क्या होगा? इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर, इन टू हो जाएगा है ना, इन टू द एनिमी कैंप, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक नंबर यहाँ पे मिल गया। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स डैश द कंक्लूजन, एक अच्छा जो जज होता है वो कभी भी कंक्लूजन को क्या नहीं करता है, फॉर, एट, ऑन या फिर इन लगा दो, क्या होगा? गुड जज नेवर ग्रेप्स फॉर आता है इसके साथ, ये फिक्स होते हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है? एक नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। आगे है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू, एक नंबर के लिए ये है, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक, एक नंबर मिलना चाहिए यहाँ पे, हालांकि ये प्लीज वाले हैं, आपने पढ़े जरूर नहीं है। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज, तो ही रिक्वेस्टेड होगा, एडवाइस, एडवाइस हो नहीं सकता, ऑर्डर, ए बी सी ऐसे ही बाहर हो गया, ऑप्शन डी जिसने कहा, एक नंबर उसको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल क्या है, आगे स्टडी नाइट पे आप ये कोर्सेज जो हैं जल्दी से बाय कर सकते हैं आप। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है, बताओ, हैड, वॉज, वॉज, हैज, इज एम आर से है तो आंसर इज एम आर और बींग ढूंढना है आपने, लेकिन सर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है तो लो एक नंबर ग्रेस मार्क्स का, लो खुश हो जाओ, लेकिन इसका आंसर क्या होना था? क्रिकेट को आप लेके आए आगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय आई का मी, ठीक है? ये आंसर होता, इसीलिए मैंने एक नंबर यहाँ सभी को ग्रेस मार्क्स दे दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ही प्लेड मैनी गेम्स, पास्ट का सिंपल है, वॉज वर ढूंढना है, सो मैनी गेम्स के साथ वर आएगा, ठीक है? ऑप्शन डी, एक नंबर, ठीक है? हैडविन, हैडविन गए बाहर, एक नंबर, दो नंबर, एक्टिव पैसिव वॉइस, देखो मिनिमम दो नंबर तो आपको मिल ही गए यहाँ से, अगर आप बिल्कुल क्लोज हैं। ही हैड ऑलरेडी, ये लो तीसरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, हैड है तो बीन वाला होगा ही होगा, ढूंढो यहाँ पे, वॉज है, हैड के साथ बीन नहीं है, हैड के साथ बीन नहीं है, हैड के साथ, और यहाँ पे हैड मान के चलो इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ही होगा, ठीक है? वरना डी भी नहीं था, तो देखो तीन नंबर तो ये मिल गए, एक आपको वो मिल गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है अंडर अ क्लाउड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अंडर अ क्लाउड, यू आर अंडर अ क्लाउड, तो मतलब अंडर अ सस्पिशन, अंडर अ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मीनिंग बीटिंग अबाउट द बुश, मेकिंग हिम सी रीजन, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा जान बूझ के, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स देना, ऑप्शन ए। एडियम फ्रेजेस तो आएंगे ही आएंगे एक दो नंबर के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी, क्या बोलेंगे उसको, है माइग्रेशन बोलेंगे, एक्सोडस बोलेंगे या फिर इमिग्रेशन बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी इज कॉल्ड, ऑप्शन सी एक्सोडस इज द करेक्ट आंसर,
एक नंबर यहां पे मिल गया। पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, बताओ क्या होगा? ये आज ही पेड क्लास में पढ़ा है, आज ही पढ़ा है इसको, बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा इसका सही जवाब? पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो बिल्कुल नेगेटिव इंसान है, और पॉजिटिव को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, तो इसका उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्ट। ये देखिए सवाल वहीं से आएंगे जो आपको करवाया हुआ है। आगे है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग पे आया है, नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है? आसान सा लड्डू सा सवाल देखो, ये होती है NECESSARY, नेसेसरी। एक नंबर यहाँ पे यू आ रही, देखो आर्टिकल से एक दो नंबर फ्री के नंबर हैं ये इंग्लिश में, ठीक है, ग्रामर में। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश की करनी है आप इंग्लिश की कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये नंबर है, आप कॉन्टेक्ट करिए, मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, जो भी बैच आपने लेना है। तो यू आर ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा। यू आर तो ऑप्शन आर्टिकल ए, यू आर अ फूल। आगे बढ़ते हैं, रॉन एंड ब्रेंडा गॉट मैरिड बट डैश मैरिज डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सो रॉन एंड ब्रेंडा गॉट मैरिड बट डैश डिडंट वेरी लॉन्ग, सो द आंसर इज ऑप्शन द, बट द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एंड फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। आगे है संकल्प बैच 2023, यानी कि ये है पटवारी के लिए, तो जितने भी पटवारी के स्टूडेंट देख रहे हैं, 1 सितंबर 2023 से आपका बैच जो है वो शुरू होने वाला है, एक लंबी उड़ान भरेंगे चंद्रयान की तरह। तो 2023 1 सितंबर, ठीक है, डेट है, जल्दी से आप एनरोल हो जाएं, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। और इसकी फीस मात्र 999 है, जो कि आप ले सकते हो, आई थिंक वो आप चेक कर लेना, जितने भी फीस है नंबर दिए हुए हैं कॉन्टेक्ट करिए। और यहाँ पे सवाल हो गए कितने, मैंने चेक नहीं किया, अच्छा 100 सवाल हो भी गए। चलो भाई बताओ फिर, आप पास हुए कि नहीं हुए 10th का एग्जाम? जैसे ऐसे सोच लो 10th का एग्जाम देना है, जो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से 10th का एग्जाम दे रहे हैं, क्या 33 नंबर आए? ऐसा कोई बच्चा है जिसके 33 नहीं आए? तो बेटा सप्ली आ गई, पहली सप्ली आ गई, आज फर्स्ट डे है आज, अब कल देखते हैं कल आएगी कि नहीं आएगी डे टू पे। बताओ जरा अपना अपना स्कोर बता दो एक बार, क्या क्या स्कोर रहा आपका? आपको चाहिए 33+ मार्क्स, सीधी सी बात है, पहला पेपर, नो टेंशन नो झंझट, जल्दी से, बिल्कुल, मैं तो मंगलयान पे ही हूं, मेरे ही बगल में लैंडिंग हुई है, यही हुई है बगल में मेरे। क्या स्कोर है? बहुत बढ़िया, 60 स्कोर है बहुत सारे बच्चों का, 70 है, 80 है, 66 है, बहुत बढ़िया, 65 है, 60+ है, लगभग लगभग ये मान रहे हैं, 55 है, 56 है, क्या बात है ज्योति, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा है पास है ना? सबके सब पास हैं या फेल हैं? बताओ अपना स्कोर बताओ, पास लिखूं या फेल लिखूं, जल्दी से। ये ऑनलाइन अब ऐसे ही स्कोर भेजूंगा ना आपको, आर यू पास और फेल, हैव यू क्लियर दिस एग्जाम, ऐसे ही सवाल होंगे बच्चों, ऐसे ही एक्टिव पैसिव वॉइस पे आएंगे, नरेशन पे आएंगे। हाँ लैंग्वेज चेंज होगी तो क्या हो गया, अब पता है ना 2+5 7 होता है, एग्जाम में पूछेंगे 8+2 कितने होते हैं, तो जब एडिशन आता है करने, ऐड ऐसे ही करते हैं, तो 8+2 10 करके आएंगे, सीधी सी बात है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहां पे तो वो घुमाएंगे थोड़ा सा, घुमाओ भाई, हम पूरे तैयार हैं, स्टडी नाइट पूरी प्रेपरेशन करवाता है, जो जरूरी है इस छोटे से एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही फालतू में डरे हुए हैं, जैसा मर्जी पेपर आ जाए। है कोई बच्चा जो 33 से पास है? सबके सब पास हैं, बहुत खुशी हुई है देख के, पास हैं। अब ये था डे 1, इसको हम कंटिन्यू करेंगे डे 7 तक, ठीक है, 7 डे टेस्ट सीरीज है ये, 7 दिन लगातार, ठीक है, पास ही होना है, फिर पास तो पेपर 1 में पास, फिर पेपर 2 की टेंशन लेनी है, पेपर 1 की तो लेनी ही नहीं है टेंशन, बिल्कुल भी नहीं। ओके जी, तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत स्टडी नाइट को करने के लिए, और ऐसा ही कंटेंट हम डेली लाएंगे ये MCQs की फॉर्म में, और पेड की क्लास में आपको पढ़ाया जाता ही है। ओके जी, तो मिलते हैं आपसे फिर क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, ओके एवरीवन।